Lots, shoes and bags, pesh karte hai complete collection. Sandals, shoes, handbags, travel bags bhi. Fancy design, high heels, casual, office wear, daily wear. Lots, shoes and bags, self-manufacture hai, affordable price ke saath. Up to 50% discount. To aaj hi aaye, Lots, shoes and bags. आप इन पे बर्डन पूरी तरीके से डालने का एक दादागिरी करने से बेहतर है। आपके एमएलए फंड से स्कूल की फीस लाए, कुछ बच्चे वो एडअप कर ले। अगर ऐसा भी उन्होंने इनिशिएटिव लिया, 18 नगर सेवक है बनाए कि उनको बुला करके एक दिन शो करना और धमकी देना, उसके बाद भूल जाना, उससे बेहतर है कि कुछ फंड टीएमसी से मांगे। ट्रस्ट चलते हैं, संघर्ष है, सुल्ताना वेलफेयर है, ये सब ट्रस्ट बड़े बड़े ट्रस्ट है, इतिहाद ट्रस्ट है, तो ये इन लोग क्यों नहीं यानी आगे बढ़ करके कुछ बच्चे एडॉप्ट कर लेते स्कूलों के और कुछ नगर सेवक एडॉप्ट कर ले। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि मुंबरा कौसा में स्कूल फीस की माफ को लेकर काफ़ी हंगामा हो रहा है और इसी दौरान मुंबरा कौसा के दो स्कूलों ने फीस माफ़ किया है और मोहित फुरफुरी जिन्होंने फीस माफ़ किया था उनका सत्कार करने के लिए आज यहाँ MIM पार्टी के सैफ पठान और अशरफ चौधरी और उनके तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए थे और उनका फूल माला से जो है उनका स्वागत किया गया, उनका सत्कार किया गया। और सैफ पठान से ही पूरे मामले पर बात करते हैं कि जिस तरह से मुंबरा कौसा में फीस मुद्दे को लेकर काफ़ी हंगामा हो रहा है और कल NCP पार्टी के तरफ से भी एक प्रोग्राम जो है आयोजित किया गया था, इसमें सभी मुंबरा कौसा के जो है स्कूलों को बुलाया गया था कि फीस माफ़ किया जाए, लेकिन अभी तक उनके तरफ से जो एजेंडा तैयार किया गया था वो एजेंडा उन स्कूलों को बताया गया है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कोई फैसला उस मीटिंग से निकल कर सामने नहीं आया है। दो दिन बाद ही ये फैसला सामने आएगा कि आखिर उनकी जो मीटिंग की गई थी उसमें क्या डिसीजन स्कूलों के तरफ से लिया गया है, लेकिन फिलहाल जो अरकम और आइडियल स्कूल है इन लोगों ने जिस तरह से फीस माफ़ किए हैं ये शहर में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये स्कूलें जो है वो काफ़ी छोटी स्कूलें हैं और उसके बावजूद इन लोगों ने अपनी फीस माफ़ कर दी है। यहाँ पर सैफ पठान मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं। सर भाई, क्या आप लोगों ने क्या यहाँ पर इनका सत्कार किया, क्या वजह है? देखिए, जैसा आपको पता है कि यानी शहर के जो हालत बने हुए हैं स्कूलों की जो फीस को लेकर के पेरेंट्स परेशान हैं, तो उसके लिए काफ़ी टाइम से हमारे अशरफ चौधरी साहब मेहनत कर रहे थे। उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर से भी मुलाकात की, उनसे भी यानी इस बारे में चर्चा की थी कि हमारे शहर में कुछ है, लेकिन उससे कहीं बेहतर जो ये हमारे शहर में एक अरकम स्कूल है उनके जो यानी प्रिंसिपल है मोहित फुलपुरी साहब, उन्होंने खुद से सामने से आकर एक सेल्फ डिक्लेरेशन किया कि जब तक मेरी स्कूल शुरू नहीं होगी तो मैं जितने भी मेरे वहाँ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं मैं उनकी फ़ीस नहीं लूँगा। जिस दिन स्कूल शुरू होगी फिज़िकली ऑनलाइन, उस दिन से हम लोग फीस लेंगे। तो वो बहुत बड़ा इनिशिएटिव हमारे शहर के लिए था, उसके लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए उनका सत्कार करने के लिए। हमारे सर भाई, ऐसे आइडियल स्कूल ने भी किया है लेकिन आप लोग अभी वहाँ पर नहीं गए? नहीं नहीं, आइडियल स्कूल के प्रिंसिपल जो है शवाना मैडम, उनसे भी हमारी बातचीत हुई, लेकिन आज संडे होने के कारण वो अवेलेबल नहीं थे, तो उनसे हमारी कल मुलाकात है इंशाल्लाह ताला। और उनका ही नहीं, जितने भी स्कूल्स यानी जो ये मैसेज इन्होंने चलाया है, जितने इनको फॉलो करेंगे हमारे शहर में फीस माफ़ी करेंगे, हम हर किसी का जाके अप्रिशिएट करेंगे, उनका सत्कार करेंगे। जिस तरीके से ये छोटी स्कूल है जहाँ पे 300-400 स्टूडेंट हैं वो लोग इस तरीके का कदम उठा रहे हैं, तो बड़ी स्कूल है जहाँ 4,000 से 3,000 जो स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या कहते हैं? देखिए, ये एक ऐसा है ना, ये स्कूलों से उनको सबक लेना चाहिए। आप इस शहर में यानी इतने टाइम से स्कूल्स में हो, आपको हमने ये नहीं कहते कि आप पूरी फ़ीस माफ़ कर दें, क्योंकि हम भी समझते हैं कि आप लोगों के भी अखराजात है, आप लोगों को भी टीचर फीस देना है और मेंटेनेंस वगैरह है, सब है, लेकिन कुछ तो रियायत करें आप, कुछ तो यानी इन्होंने तो पूरा ही फील भी माफ़ किया, आप कुछ तो रियायत करें उसमें, आधी करिए, कुछ करिए, जितना आपके मेंटेनेंस के अखराजात है वो लीजिए पेरेंट्स से, बाकी फीसें माफ़ करिए। सर भाई, इसी तरह से NCP के तरफ से भी एक प्रोग्राम जो है रखा गया था, उसमें भी स्कूल के करीब 70 से 78 स्कूल के ऑनर और प्रिंसिपल बुलाए गए थे, उसमें भी ऐसे चर्चा हुई स्कूल फीस को लेकर, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी NCP यानी काफ़ी टाइम से हम लोग मेहनत कर रहे हैं और भी काफ़ी NGOs है जो इसके पीछे मेहनत कर रही है, पर NCP जागी तो अच्छी बात है, लेकिन मैं NCP यहाँ सत्ता में है उनके 18 नगर सेवक है, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि आप इनको बुला करके बोलने से बेहतर आप क्यों नहीं कुछ स्कूल्स एडॉप्ट कर लेते हो, आप क्यों नहीं यानी TMC से यानी कुछ स्कूल्स की फ़ीस माफ़ी करवा लेते हो,
आप क्यों नहीं स्कूल्स के यानी मेंटेनेंस वगैरह जो लाइट बिल वगैरह वो माफ़ करवा लेते, आप सत्ता में प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह आप वो माफ़ करवा दो, आप इन पे बर्डन पूरी तरीके से डालने का एक दादागिरी करने से बेहतर है। आपके 18 नगर सेवक है, आपके एमएलए फंड से स्कूल की फीस लाए, कुछ बच्चे वो एडअप कर ले, अगर ऐसा भी उन्होंने इनिशिएटिव लिया 18 नगर सेवक है आप ले, बाकी के जो शहर में नगर सेवक है 3-4 हम उनसे भी अपील करेंगे। इस तरीके से कुछ स्कूल्स की अगर स्टूडेंट्स की यानी फीस माफ़ी हो जाती है, स्कूल्स को बर्डन कम हो जाता है तो बहुत अच्छा है। एक इनिशिएटिव आप बनाए कि उनको बुला करके एक दिन शो करना और धमकी देना उसके बाद भूल जाना, उससे बेहतर है कि कुछ फंड TMC से मांगे इस शहर के स्कूलों के लिए ताकि उनको भी आसानी हो। जैसे उनके कुछ ट्रस्ट चलते हैं, संघर्ष है, सुल्ताना वेलफेयर है, ये सब ट्रस्ट बड़े बड़े ट्रस्ट है इस शहर के, हमेशा यानी वो आगे आते हैं, इतिहास ट्रस्ट है, तो ये इन लोग क्यों नहीं यानी आगे बढ़ करके कुछ बच्चे एडॉप्ट कर लेते स्कूलों के, कुछ नगर सेवक एडॉप्ट कर ले, इस तरीके से यानी उन पर भी बर्डन कम होगा, शहर के लोगों पे भी बर्डन कम होगा। देखिए वही NCP के जहाँ बाकी नगर सेवक दूसरों पे प्रेशर बना रहे हैं, वहीं एक उनके बीच में भी एक नगर सेवक है जफर नोमानी साहब, जो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, मैं उनका काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, उनके न्यूज़ भी देख रहा हूँ, उनके लाइव भी देख रहा हूँ, खुद जाके प्रिंसिपलों से मुलाकात कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इस तरीके से काम किया जाता है, हम उनको भी काफ़ी यानी अप्रिशिएट करते हैं कि ऐसे बंदे काम करते हुए दिखना चाहिए। सर मैं अपनी टीम के साथ हमारे मुमरा कलवा विधानसभा अध्यक्ष साहब पठान के साथ यहाँ पे हम लोग आए थे फूलपुरी साहब का सत्कार करने के लिए, और वो इस वजह से सत्कार किए कि इन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया मुमरा कौसा के पेरेंट्स के लिए कि फ़ीस माफ़ इन्होंने कर दिया, टोटली फ़ीस जो अभी तक तो पढ़ाई हुई नहीं हुई, टर्म फीस जो क्या नाम है स्कूल के बस का फीस टोटल माफ़ किया है, जब स्कूल चालू होगा जब पेरेंट्स फीस देंगे यहाँ पे, और इनके यहाँ 350 बच्चे हैं, मैं इनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये 350 बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं है, जिनके पास 3000 बच्चे हैं 2000 बच्चे वो कन्फ्यूज़ हैं कि करे कि नहीं करे, करे कि नहीं करे, तो वहाँ फूलपुरी से सबक लेना चाहिए उन लोगों को, उन लोग सिर्फ 3 महीना बोल रहे हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरा फीस अभी तक माफ़ कर चुके हैं, जब स्कूल चालू होगा जब से फीस देना पेरेंट्स लोग। तो आपने सुना कि जिस तरह से सैफ पठान ने बताया है कि जो NCP के नगर सेवक हैं जफर नुमानी, उन्होंने भी खैर इस मसले पर अच्छा काम किया है और शहर में उनकी भी सराहना चारों तरफ हो रही है। बहरहाल इनके तरफ से ये भी कहा गया है कि मुमरा कौसा के जो भी स्कूल हैं अगर वो इसी तरह से फीस माफ़ करते हैं तो उनका सत्कार भी MIM पार्टी की तरफ से किया जाएगा। कैमरामैन हुसैन के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।